हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ज्योग्राफी सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट का इनसाइट सिक्योर को यूज़ करते हुए कवर कर रहे हैं। दिसंबर महीने का ये इनसाइट सिक्योर का मैगजीन है, जीएस पेपर वन ज्योग्राफी। ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ने और मोर देन 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस करना है कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है उस कॉन्सेप्ट को, और जो उसका रिलेशनशिप है बिटवीन अंडर वाटर ओशन रीजेस एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी उसको। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या। ये बेसिकली एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, मतलब कि हमारा अर्थ अलग अलग प्लेट से बना हुआ है। जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, तो लार्ज स्लैब्स ऑफ अर्थ्स लिथोस्फीयर, मतलब कि टूटे हुए स्लैब्स हैं लार्ज, इसी को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो कॉजेटिव फैक्टर क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, आपको बताना पड़ेगा। आपको साथ में ये भी बताना होगा कि क्या मैकेनिज्म है जिससे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, और अदर टेक्टोनिक एक्टिविटी प्रोसेसेस जो कि रिजल्ट है मेंटल कॉन्वेक्शन का। मेंटल कॉन्वेक्शन क्या है आपको ये भी बताना होगा, मतलब कि आपको हर चीज़ एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करते हुए चलना है। तो मेंटल कन्वेक्शन क्या है, ये एक स्लो चर्निंग मोशन है, मतलब कि एक स्लो मूवमेंट है अर्थ मेंटल में, जिसमें कि मैग्मा जो है वो मूव करता है। ये जो कॉन्वेक्शन करंट्स हैं ये हीट को कैरी करती है फ्रॉम लोअर मेंटल एंड कोर टू द लिथोस्फीयर। आपको पता होगा कि हम लोग का जो अर्थ का जो इनर सरफेस है वो अलग अलग डिवीजन है उसका, मेंटल और कोर। तो जो मेंटल है, मेंटल और कोर से जो हीट को कैरी करता है लाइक अ करंट टू द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर अपर वाला लेयर होगा, मेंटल और कोर नीचे वाला लेयर होगा। कन्वेक्शन करंट्स ऑल्सो रिसाइकिल लिथोस्फेरिक मटेरियल्स बैक टू मेंटल, मतलब जो ऊपर का मटेरियल है उसको ले जा के नीचे वो लोग वापस मेंटल में रिसाइकिल करते हैं। मतलब ये एक साइकिल की तरह चलता है, हीटेड मटेरियल ऊपर आता है और जो ऑलरेडी लिथोस्फेरिक मटेरियल है वो नीचे जाता है। ठीक है, तो आप एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो अब आंसर में आप पहले तो लिखोगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस जो कि होता है मिड ओशन रीजेस में, जहाँ पे नए क्रस्ट फॉर्म होते हैं वॉल्केनो के थ्रू, और वो फॉर्म होके रिज से दूर जाने लगता है, लाइक अ प्लेट, मतलब कि एक मूविंग प्लेट की तरह वो दूर जाने लगता है। जैसे जैसे अंदर अर्थ से नए नए मटेरियल बाहर आते हैं थ्रू वॉल्केनो, जो पुराने मटेरियल ऑलरेडी निकले हुए हैं वो दूर जाने लगते हैं, एक प्लेट, साइक्लिक प्लेट की तरह। तो ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये दिया गया था, मतलब कि इससे पहले, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पहले अल्फ्रेड वेगनर का थ्योरी था, उसके बाद हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया। इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग जो थ्योरीज थे अर्थ फॉर्मेशन का, इसके बारे में जाना। तो जैसा मैंने कहा कि जो उठने वाला हाथ है, ठीक है, राइजिंग लिम्स ऑफ दिस करंट मीट ओशनिक रीजेस आर फॉर्म्ड ऑन द सी फ्लोर, और जहाँ पे गिर रहा है मतलब कि नीचे जा रहा है वहाँ पे ट्रेंचेस, मतलब कि जहाँ से मेटेरियल ऊपर आ रहा है वहाँ पे रिज बन रहा है, और जहाँ से मेटेरियल नीचे जा रहा है वहाँ पे ट्रेंचेस बन रहा है। इस तरह से नए मटेरियल ऐड होते हैं ओशन फ्लोर में। ठीक है, ये आपको देखो, ये जो इमेज आपको समझ में आएगा, यहाँ पे इसके थ्रू जो मटेरियल है नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे और ऊपर आया, और फिर ये अंदर से ऊपर आ गया, और उसके बाद ऐसे करके इस साइड हम लोग और दूसरे साइड ऐसे करके मूव करते हैं, तो नया नया मटेरियल आ रहा है। ठीक है, नया नया मटेरियल आ रहा है और वो फिर दूसरे साइड निकल रहा है। तो अब समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन अंडर वाटर ओशन रीजेस एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो समझिए कि मिड ओशनिक रीजन क्या है। मिड ओशनिक रिज जो है ये एक अंडरवाटर माउंटेन रेंज है जो कि फॉर्म क्या होता है बाय प्लेट टेक्टोनिक्स। दिस अपलिफ्टिंग ऑफ ओशन फ्लोर्स ऑकर व्हेन कन्वेक्शन करंट राइज इन द मेंटल बिनिथ द ओशन क्रस्ट एंड क्रिएट मैग्मा, मतलब कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ से नीचे से आ रहा है और इस तरफ फॉर्म जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑकर्स एट स्प्रेडिंग सेंटर, तो जैसा मैंने कहा तो उसी के थ्रू सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि
जो वॉल्केनो है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, उसका टाइप हो या स्ट्रक्चर हो साथ में एग्जांपल के। तो आपको ये हुआ वॉल्केनो के बारे में। तो पहले तो आप बताओ ये वॉल्केनो क्या है। वॉल्केनो एक ओपनिंग है इन द अर्थ क्रस्ट या वेंट है जहाँ से मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, मतलब कि जो लावा है वो अचानक से बाहर आता है फ्रॉम अ मैग्मा चैम्बर बिलो द सर्फेस। मतलब जो अर्थ सर्फेस है उसके नीचे एक मैग्मा चैम्बर है, उसके उस चैम्बर से एक वेंट के थ्रू बाहर आता है लावा। ये होता है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। सम रॉक स्लोली मेल्ट एंड टर्न इंटू थिक फ्लोइंग मैटर नोन एज मैग्मा। वही मैंने कहा जैसा कि रॉक्स जो है वो मेल्ट करके मैग्मा फॉर्म करते हैं। सिंस इट इज़ लाइटर देन द सॉलिड रॉक्स अराउंड इट, द मैग्मा राइजेस एंड गेट कलेक्टेड इन द मैग्मा चैम्बर विच इवेंचुअली पुशेस टू फिसर एंड वेंट्स इन द अर्थ सर्फेस। यानी कि जो मैग्मा जो गर्म हो रहा है रॉक्स, ठीक है, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, मैग्मा चैम्बर में जमा हो जाता है और फिर वहाँ से फिसर्स और वेंट्स के थ्रू अर्थ सर्फेस की तरफ आता है। तो आपको उसी प्रोसेस में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है उसके बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होता है वो इंट्रूसिव भी होता है और एक्सट्रूसिव भी होता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। देखो जो वॉल्केनोज ऐसे जगह बनते हैं जहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा हो, चाहे वो ओशन ओशन प्लेट कलिजन हो या ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट कलिजन हो। इन सबडक्शन जोन वेयर प्लेट्स डाइव अंडर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, मतलब देखिए जैसे ओशनिक में क्या होता है कि एक तरह दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालता है और एक प्लेट जो लाइट है भारी प्लेट के अंदर चली जाती है। देखिए यहाँ पे इस तरफ से भी प्लेट आ रहा है और इस तरफ से भी प्लेट आ रहा है, और जो कि ये लाइट प्लेट है तो वो नीचे जा रही है। तो इससे क्या होता है कि वॉल्केनिक आइलैंड्स फॉर्म होते हैं अलॉन्ग डीप ओशनिक ट्रेंचेस, यही लिखा हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट ओशन कन्वर्जेंस के कारण जो भी बन रहा है। तो इसी में आपको बताना होगा फिर सर्कम पैसिफिक रीजन कौन सा हुआ। ये वाला जो रीजन आपका सर्कम पैसिफिक रीजन, इसको कहते हैं, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक है। अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स वॉल्केनोज जो है यहीं मिलते हैं। ये जो चेन ऑफ वॉल्केनो है ये एल्यूटियन आइलैंड, मतलब जो जापान का एल्यूटियन आइलैंड है वहाँ से शुरू होते हुए, यहाँ पे जापान के पास है एल्यूटियन आइलैंड, वहाँ से लेकर आपका सोलोमन टोंगा और न्यूजीलैंड तक जाता है। तो ये रहा आपका, मैंने ये होगा आपका रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक रीजन जहाँ पे वॉल्केनोज हैं बहुत सारे। ऑन द अदर साइड ऑफ द पैसिफिक द चेन कंटिन्यूज फ्रॉम एंड्स टू सेंट्रल अमेरिका, मतलब ये जो नीचे वाला साइड है एंड्स इधर होगा तो वहाँ से लेके सेंट्रल अमेरिका तक, मैक्सिकन राइट अप टू अलास्का। तो यहाँ पे आपका वॉल्केनो हो गया जैसे माउंट फूजी हो गया, माउंट वेसुवियस हो गया, माउंट फिर स्ट्रॉम्बोली हो गया, एटना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बताओगे कि कैसे रिंग ऑफ फायर जो है वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग और जो डिफरेंट प्लेट थ्योरीज हैं इनको इसके थ्रू हमें पता चला है। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनो क्या क्या है जो कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज के कारण होता है। पहला तो है कंपोजिट कोन्स या स्ट्रेटो वॉल्केनोज, ये एंडेसाइटिक लावा से बनते हैं और इसका जो है स्ट्रक्चर कोनिकल होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होगा आपका वेसुवियस, माउंट फूजी, स्ट्रॉम्बोली जिसको हम लोग लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। दूसरा है सिंडर कोन जो है वो है स्मॉल वॉल्यूम कोन्स। फिर कैलडेरा हो गया, कैलडेरा मतलब कि वो गड्ढा है जो बनता है आफ्टर इरप्शन ऑफ मैग्मा, जो मतलब कि वाटर में कलेक्ट टू द क्रेटर, और उसको कैलडेरा कहते हैं। मतलब कि जो जिस होल से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, उस वो होल कुछ दिन बाद बंद हो जाता है और उससे लेकिन एक बड़ा सा, मतलब जो मैग्मा जब सूख जाता है तो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रेटर। और उसी लेक में जब पानी जमा होता है
उसे हम कहते हैं कैलडेरा।